दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट को विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल मानते हैं तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच दौरा हाल ही में समाप्त हुआ है। इसमें भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के साथ दौरा करना है और हाल ही में बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का ऐलान कर दिया। तो आइए जानते हैं ये सीरीज कब, कहां होगी और कैसे होगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया और अफगानिस्तान में से किस टीम के पास बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 के बाद 2022 में विश्व कप आयोजित हो रहा है, जिसके कारण सभी टीमों का शेड्यूल बहुत बिजी है। सभी टीमें ज्यादातर मैच खेलेंगी। दोस्तों इस अगले एक साल में भारतीय टीम सबसे पहले साउथ अफ्रीका जाएगी, जहां 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेले जाएंगे, जो पहले 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के चलते यानी कि कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के कारण यह दौरा 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके बाद मैच होने में देरी होने लगी और इसी वेरिएंट के कारण T20 सीरीज को भी रद्द करना पड़ा और पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 दिसंबर से चालू होने वाला था, लेकिन अब यह 26 दिसंबर से प्रारंभ होगा। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे मैच खेलने हैं और यह दौरा 23 जनवरी को समाप्त हो जाएगा और इसके बाद भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। यह सीरीज 6 फरवरी से चालू होकर 20 फरवरी तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भारतीय टीम अपने घर पर श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जो कि 25 फरवरी से चालू होकर 18 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 18 मार्च से अप्रैल मई जून के अंत तक भारतीय टीम का कोई भी दौरा नहीं होगा, लेकिन बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर 20 मार्च से 31 मार्च के बीच विंडो निकालकर 3 मैचों की वनडे सीरीज का शेड्यूल फिक्स कर दिया, क्योंकि ये 10 दिन ही विंडो टीम के पास खाली है, क्योंकि इसके तुरंत बाद अप्रैल मई जून में टीम को आईपीएल खेलना है। दोस्तों बीसीसीआई और एसीबी की तरफ से अभी शेड्यूल की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 मैचों की सीरीज 10 दिनों के विंडो में होगी। भारतीय टीम अपने सरजमी पर अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसकी तारीखें कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मुकाबला 22 मार्च को हो सकता है। मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम कहलाता है, वहां पर हो सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला 24 मार्च को हो सकता है। यह मुकाबला मुंबई के स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा सकता है। तो वहीं तीसरा मुकाबला 26 मार्च को हो सकता है। यह मुकाबला लखनऊ में स्थित इकाना स्टेडियम, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम पर जाना जाता है, वहां पर हो सकता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए 8 या 10 दिनों की विंडो इन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी आईपीएल में खेलेंगे। दोस्तों आईपीएल के तुरंत बाद भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है और फिर इंग्लैंड के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके बाद भारतीय टीम एशिया कप और विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट खेलेगी। इसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।